वेलकम बैक ऑन माई चैनल जिसका नाम है आइकॉनिक लाइव। ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको दिखाने और घुमाने जा रहा हूँ नई नई चीज़ें दिल्ली में जो कि अवेलेबल हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स और क्लासिक और टेक्नोलॉजी फुल मॉल्स, और यही उसी के साथ साथ सस्ती और महंगी मार्केट्स, और इसके अलावा आउट ऑफ स्टेशन और सब कुछ जगह। तो अगर जो आप घूमने के शौकीन हैं या फिर आपके फ्रेंड्स घूमने के शौकीन हैं, तो कहीं भी जाने से पहले मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें। हैव अ गुड डे। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय न्यू वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जी हाँ, तो अब आज मैं आपको घुमाने जा रहा हूँ नई जगह, जहाँ पर आप शाम को आराम से आ सकते हो और घूम सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यह है दिल्ली का एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पीसफुल मॉन्यूमेंट, जिसका नाम है, अभी नहीं बताऊँगा, लेट्स बी इन टच। यहाँ पर आने के लिए आपको मेट्रो से आना पड़ेगा। मेट्रो पर आएंगे तो आपको यहाँ से जनपद आना है। जनपद से यहाँ पर 50 रुपये को लगेगा, आप 30 बार्गेनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो चलिए लेके चलते हैं आपको अंदर। जैसे ही आप ऑटो से उतरेंगे, ये बाहर का रास्ता है, ये देखिए, ये आपका बाहर का पोर्शन अग्रसेन की बावली का। चलिए इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं अग्रसेन की बावली में, और यहाँ पर ये काफ़ी इसका डिटेल में बताया गया है, तो मैं अभी ज़्यादा इतना बता नहीं सकता बिकॉज मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। चलो आप खुद देख सकते हो। चलो फिर चलते हैं इसके अग्रसेन की बावली के अंदर। वाओ, दिस इज क्वाइट नाइस। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और यहाँ पर अपने अपने कपल्स के साथ फैमिली के साथ यहाँ पर आ रखे हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर ये लोग। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर ब्लॉग के लिए शूट के लिए आए, तो यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। कैमरा अलाउड है, लेकिन आप ट्राइपॉड या माइक से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन लोगों ने अभी मेरा ट्राइपॉड साइड में रखवा दिया है, लेकिन मैं अभी अपने हाथ से स्टिल अपने हाथ से यूज़ कर रहा हूँ, और माइक की जगह मेरा इतना ज़्यादा यहाँ पर तेज़ नहीं है, तो इस वजह से कम्फर्टेबल होगा। देखिए गाइस, ये है अपने साथ में, यहाँ पर लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव और अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबके साथ यहाँ पर आते हैं। इतना सा पोर्शन है यहाँ पर का, आपका इतना सा, ये देखिए चारों तरफ दीवारें बनी हैं यहाँ पर, और इस तरह से लोग बैठते रहते हैं यहाँ पर। और अगर जब मैं नीचे की तरफ जाऊँगा, तो इन लोगों ने 1, 2, 3, 4 ये इन लोगों ने यहाँ पर ये बना रखी है। और करीब लेकर चलते हैं आपको। नीचे जाना इतना कुछ खास अलाउड है नहीं, और यहाँ पर कुछ है भी नहीं जाने के लिए, और ये सेकंड बना रखा है, इसके अंदर हम जा सकते हैं। तो गाइस देखें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड फैमिली के साथ। तो ये लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो एक बार बोल दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल। कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको घूम के? कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से ही हैं? तो यहाँ पर आते रहते हैं या फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। मैं भी दिल्ली से हूँ, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। काफ़ी बार सुना था यहाँ पर, आज देख भी लिया। इतना ज़्यादा मतलब अच्छा है फोटोग्राफ्स के लिए, क्यों? चलो थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये मेरा असिस्टेंट है, और यहाँ पर ये दूसरों की फोटोग्राफ खींच रहा है। देखिए यहाँ पर इसी बात के पैसे मिलते हैं इसको। तो गाइस, अगर जो मैं कहूँ यहाँ पर घूमने के लिए, तो यहाँ पर आप इवनिंग में आओ 4 बजे करीब, 5, 5:30, आधा एक घंटा काफ़ी है। अगर जो आप पिक्चर्स खिंचवा रहे हो, बिकॉज अगर जो आप 2-3, 4 घंटे घूमो, तो कितनी पिक्चर्स खिंचवा लोगे अपने, राइट? और यहाँ का कोई टिकट नहीं है। जनपद मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट का डिस्टेंस है ऑटो से, जो कि 50 रुपये लेता है। मैं इसके साथ घूमने आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको घूम कर? अच्छा है, फ़ोटो खिंचवाने के लिए सही जगह है। फ़ोटो तो भैया यहाँ हर दूसरा बंदा फ़ोटो में लगा पड़ा है, मतलब हद नहीं। ये देखो, देखिए मैं इस टाइम नीचे की तरफ उतर रहा हूँ। यहाँ पर ये लोगों ने यहाँ छोटा छोटा बना रखा है। क्या था ये, पता तुम्हें क्या था ये पुराने जमाने का? अग्रसेन की बावली, मतलब उग्रसेन ने इसको बनाया था, कि जिससे कि पहले पानी के यहाँ पर एक कुआ तरह का है, जिससे कि पानी यहाँ पर क्या बोलते हैं भरा जा सके, समझे? तो उस टाइम के लिए था, मैंने पहले इंट्रोड्यूस करा दिया वीडियो के स्टार्टिंग में।
गाइस यही है वो जगह जहाँ पर पीके मूवी की शुरुआत हुई, वो शूटिंग हुई थी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं रील्स बनाने, फोटोज खींचने, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पीसफुल और खूबसूरत जगह है। तो आप भी अगर जो दिल्ली विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आए। हैव अ गुड डे। तो ये है इतना एरिया अग्रसेन की बावली का, यहाँ की मस्जिद है, और यहाँ पर चौकोर में दीवारें बनी हुई हैं, और नीचे बावली है, बहुत ही अच्छा है। तो हम लोगों ने अग्रसेन की बावली ऑलमोस्ट एक घंटे में हम लोगों ने यहाँ का सफ़र पूरा कर लिया है। यहाँ पर घूमकर बहुत मज़ा आया, लोग काफ़ी यहाँ पर फोटोज़ रील्स बहुत बनाते हैं। यहाँ पीके मूवी की शुरुआत हो गई थी शूटिंग, और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं फोटोज़ के लिए, रील्स के लिए, और यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं। और अगर जो मैं टाइमिंग की बात करूँ तो सिर्फ आपको यहाँ पर स्पेंड होने जा रहा है सिर्फ एक घंटा, इससे ज़्यादा आई डोंट माइंड कि यहाँ पर आप घूमोगे या फिर आपका मन करेगा, बिकॉज यहाँ पर कितने फोटोज़ या वीडियोज़ बना लोगे आप एक घंटे में, तीन घंटे में। तो छोटा है, क्वाइट प्लेस, इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। वीडियो कैसे लगी लास्ट में ज़रूर कमेंट करें और सजेस्ट करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स हैं उनको शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वेलकम बैक ऑन माई चैनल जिसका नाम है आइकॉनिक लाइव। ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको दिखाने और घुमाने जा रहा हूं नई नई चीज़ें दिल्ली में जो कि अवेलेबल हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और क्लासिक और टेक्नोलॉजीफुल मॉल्स, और यही उसी के साथ साथ सस्ती और महंगी मार्केट्स, और इसके अलावा आउट ऑफ स्टेशन और सब कुछ जगह। तो अगर जो आप घूमने के शौकीन हैं या फिर आपके फ्रेंड्स घूमने के शौकीन हैं तो कहीं भी जाने से पहले मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें। हैव अ गुड डे।